गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है सभी का एपिसोड नंबर 3 रोड टू एस्थेटिक्स के वीडियो में। सो थोड़े दिन पहले मेरे पास ये पैकेज आया था मसल प्लेस का, जो मैंने ऑर्डर किया हुआ है। इसमें मेरी आइटम्स हैं, मैं भूल गया हूँ क्या ऑर्डर किया है वैसे, बट मैंने आप लोगों को पहले ही बताया पैकेजेस देख के मेरे को बहुत ऐसे मन करता तुरंत उसे खोलने का, बट दिस टाइम आई वेटेड जस्ट बिकॉज आई वॉन्टेड टू रिकॉर्ड इन अ पर्टिकुलर वीडियो। सो पहले हम सभी पैकेज को खोलेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है। मेजरली जो आइटम्स हैं वो ऐसे नहीं है कि मतलब कोई स्पेशल आइटम्स नहीं है, नॉर्मल है, और थोड़ी फालतू आइटम्स भी है टू बी ऑनेस्ट, जस्ट टू फ्लेवर द वाटर इसी आइटम का। सो ओ बाप रे, ये पैकेज फाइनली खुला, सीजर लानी चाहिए थी। ओके डन। सो ये पैकेज के अंदर सबसे पहले है बहुत सारा, इससे मेरे डॉग्स बहुत डरते हैं फॉर सम रीजन। सो जो चीज़ हमने मंगाई है उसमें एक है मसल ब्लेज का नया लॉन्च, विच इज़ द EAA 800 अल्टीमेट इंट्रा वर्कआउट चीज़। EAA 800, क्या ये आपको लेने की ज़रूरत है? नहीं। मैंने क्यों लिया? जस्ट बिकॉज इसके अंदर सिट्रलिन मैलेट है 1.5 mg, नॉट 1500 mg सॉरी, एंड ये आपको अच्छे पम्प्स देगा। मोर ओवर मैं ये ले सकता हूँ बिकॉज अभी ऑन अ डाइट मैं थोड़ा सा चीज़ें क्रेव करूँगा आफ्टर अ पॉइंट, एंड दिस विल हेल्प मी मेरे वाटर को फ्लेवर करने में और मेरे वाटर इनटेक को आराम से बढ़ाने में। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं देन डेफिनेटली आप ये इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। बाकी इसकी कोई स्पेशल आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज़ मसल ब्लेज का अगेन फ्लेवर वाटरिंग चीज़, BCAA प्रो, जस्ट टू फ्लेवर वाटर, जस्ट ताकि पानी थोड़ा सा ऐसा टेस्टी बन जाए, और मेरे को पर्सनली ग्रेप फ्लेवर बहुत पसंद है, सो आई वॉन्ट दिस वन। और उसके साथ साथ अभी जो काम की चीज़ आपके लिए है, दैट इज़ मसल ब्लेज का टोटल बीस्ट प्री वर्कआउट। पर्सनली ये प्री वर्कआउट का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ बिकॉज ये प्री वर्कआउट में ऑलमोस्ट हर चीज़ें एट अ गुड क्वान्टिटी है। सिप्टलिन है, आर्जिनिन है, कैफीन, इट्स टॉरिन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें विच मेक्स अ वर्कआउट, मेक्स मोर ओवर आपके फोकस को वर्कआउट के टाइम पर बहुत अच्छा करता है, एंड ये मेरे को पर्सनली इसलिए बहुत पसंद है। 200 mg ऑफ कैफीन, नथिंग क्रेजी, नथिंग हाई, और ये पर्सनली मेरा बहुत टाइम से एक फेवरेट काइंड ऑफ प्री वर्कआउट बन चुका है बिकॉज इसका फ्लेवर भी अच्छा है, आपको माइंड और जो क्लैरिटी होता है फोकस का, दैट इज़ टू गुड, एंड कैफीन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जिस 200 mg, सो आप इसे एक डेली बेसिस पे कंज्यूम कर सकते हैं। सो दिस इज़ समथिंग विच आप लोग को इस पे ऐसे आए रखना चाहिए। आई पर्सनली लव दिस प्री वर्कआउट। ये है ट्रॉपिक थंडर फ्लेवर का, एंड फ्लेवर इज़ टू गुड, ट्रस्ट मी। एक चिल्ड, लाइक चिल्ड प्री वर्कआउट ड्रिंक इज़ द बेस्ट। एक ठंडे बर्फ़ वाले पानी में इसको डालो एक स्कूप, इट्स टू गुड, ट्रस्ट मी ऑन दैट। सो उसके बाद लास्ट चीज़ इस पूरे पैकेज की, दैट इज़ फिश ऑयल गोल्ड। अभी फिश ऑयल गोल्ड लेने का क्या रीज़न है और मसल ब्लेज का फिश ऑयल क्यों लिया है, इज़ जस्ट दैट के फिश ऑयल गोल्ड में जो इसकी जो ऊपर कोटिंग है, दैट इज़ अ सुपीरियर कोटिंग देन द नॉर्मल फिश ऑयल, और दैट इसमें EPA और DHA ज़्यादा है, इसलिए ये लिया है। पर्सनली ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे मॉम डैड के लिए, आई थिंक मॉम ने अपने ले लिया है, सो ये डैड के लिए, डैड इज़ गोना यूज दिस। आप अपने पेरेंट्स को ये चीज़ें दे सकते हो, फिश ऑयल, मल्टी वाइटमिन सी, आफ्टर एज आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली चीज़ें कम प्रोड्यूस करती है। ओके, एंड फिश ऑयल एक लुब्रिकेंट है, समझ लो आपके बोन्स के बीच में जो ऑयलिंग होती है वो फिश ऑयल उसमें हेल्प करता है। ओमेगाज आपके माइंड फंक्शनिंग, हार्ट हेल्थ, सब में हेल्प करता है। सो इट्स नॉट जस्ट फॉर अ जिम गोअर, बट इट्स ऑल्सो फॉर द जनरल क्राउड, और इसलिए आई हैव परचेस दिस फॉर माई फादर, सो दैट वो जब यू नो ये छोटी छोटी चीज़ें उनको उनके ओल्ड एज में हेल्प करेगी। सो जस्ट डोंट टेक इट खुद के लिए, अगर आपको पता है, अगर आपको नॉलेज है, देन अपने फैमिली को भी अच्छी चीज़ें खिलाइए। सो यस, बेसिकली हमने ये सारी चीज़ें मसल ब्लेज के मतलब मसल ब्लेज से मंगाई है, एंड या अब हम जाएंगे थोड़ा सा खाना पीना बनाएंगे, खाना खाएंगे, और मुझे RTO जाना है मेरे लाइसेंस के टेस्ट के लिए,
जैसा मैंने आप लोग को बोला है, मेरे को सिर्फ ऑटोमेटिक गाड़ी चलानी आती है, मेरे को नॉर्मल गियर वाली गाड़ी चलानी नहीं आती है, और उसकी वजह से मैं एक लंबे समय तक के लिए लाइसेंस नहीं ले पाया था, बिकॉज जो ऑटोमेटिक कार का जो रूल है लाइसेंस के लिए वो काफ़ी टाइम बाद आया, बट स्टिल आई वॉज ड्राइविंग माई कार एंड या एल के साथ मेरे पास लर्नर्स लाइसेंस था, नॉट ब्रेकिंग द लॉज, बट या सो अभी एक थोड़ा सा ओट्स या मोस्टली कुछ खाएंगे या पैक करेंगे और उसके बाद आरटी हो जाएंगे, बिकॉज मेरे को मेरी ड्राइविंग टेस्ट देनी है। आई होप मैं फेल नहीं हूँ, बिकॉज मैं थोड़ी बड़ी गाड़ी लेके जा रहा हूँ, लाइक वरना लेके जा रहा हूँ जैसे सेडान, सो वहाँ पे आप जितनी छोटी गाड़ी होना उतना टेस्ट ईजी होता है, बट लेट्स सी। सो अभी हम आरटीओ के लिए निकल चुके हैं। आई एंडेड अप टेकिंग टू टिफिन इंस्टेड ऑफ वन, दैट वाज बिकॉज मेरा एक टिफिन खाने का ही मेरे पास टाइम नहीं था, एक मील का भी टाइम नहीं था, सो मैंने दोनों को टिफिन में ले लिया, और आरटीओ में यहाँ पर अगर लाइन होगी तो मैं एक अच्छे बच्चे की तरह वहाँ पर बैठ के अपने टिफिन में से अपने मील्स खाऊंगा, और एक वाटर बॉटल लिए जिसमें मैंने BCAA डाला है ग्रे फ्लेवर, क्वाइट एक्साइटेड टू ट्राई दैट। वैसे मेरी कॉलेज जो है वो कल से चालू हो रही है, आज वेनसडे, कल थर्सडे, टुमारो इज द 10th of Feb। सो कल से मेरी कॉलेज शुरू हो रही है एंड ऑफलाइन कंपलसरी शुरू हो रही है, सो वो सबसे गंदा पार्ट है, बिकॉज नंबर वन आई डो नॉट एन्जॉय माई कॉलेज अलॉट, एंड नंबर टू इज दैट के मेरे घर से मेरी कॉलेज की जो ड्राइव है ना, दैट इज़ आराम से 30-40 minutes, और शाम को जब वो गन ट्रैफिक का टाइम होता है तब इट्स ईजी 1 hour, सो वो मेरे दिन को बहुत हेक्टिक बनाया था, एंड दैट इज़ नॉट समथिंग विच आई रियली लाइक टू डू, बट ऑप्शन नहीं है कोई, सो सैडली कल से ऑफिस जाना इज ऑफ, भैया वुड बी लुकिंग आफ्टर ऑफिस, मेरे बड़े भाई वुड बी सीइंग ऑफिस का काम, और मैं सैडली एक कॉलेज किड की तरह रोज़ कॉलेज जाऊँगा ऑफलाइन। आई एम एक्साइटेड टू मीट माई फ्रेंड्स, बट मेरे को पर्सनली मेरा कॉलेज इतना पसंद नहीं है, सो आरटीओ में 2.5 घंटा वेस्ट हुआ, बिकॉज मेरा और मॉम हम दोनों का ये जो टेस्ट था वो फेल हुआ। मॉम फोटो के लिए नहीं रुकी जहाँ पे उन्हें रुकना चाहिए था स्लोप पे, और मैं जो मेरा बॉक्स पार्किंग था उसमें जस्ट ऑनलाइन था, सो उन्होंने बोला कि ऑनलाइन अलाउड नहीं होता, आपको ऑनलाइन के अंदर होना चाहिए था, बॉक्स के अंदर पार्क करनी है एकदम ऑन पॉइंट नहीं, सो उस वजह से आई वॉज डिक्लेयर्ड फेल, और मैंने उन्हें पूछा अभी कि मैं अंदर रखूँ दिया ज़्यादा, तो उन्होंने मुझे बोला कि हमारे जॉब प्रोफाइल में वी कांट रिप्लाई, वी कांट गाइड यू, सो जिसकी वजह से मेरा जो टेस्ट था वो फेल हुआ। सो मैं और अनुराग अभी जिम जा रहे हैं, सो पावर बैंक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक शॉप, अनुराग के पास था, मेरे पास वायर था, सो कैमरा इज चार्जिंग नाउ। अनुराग के यहाँ पे आई हैड वन मील, आई हैड ओट्स जो मैं वो पैक करके गया था टिफिन में, आई हैड दैट, और अब मैं और अनुराग जिम जा रहे हैं, काफ़ी ऑलमोस्ट रात हो चुकी है, इट्स लाइक 7 राइट नाउ, हम काफ़ी लेट जा रहे हैं फ्रॉम द यूजुअल टाइमिंग, बट वो 1.5 घंटे आज आरटीओ में बहुत फक ऑल हो गया पूरा। एनीवेज अभी जिम जाएंगे और एक मस्त लेग वर्कआउट हिट करेंगे, आज मेरे को एक नया वेरिएशन भी ट्राई करना है लेग्स का, सो विल गो एंड हिट दैट। Will not be hesitation generated power that upload like it's detonation never waiting, because I don't need it to be regenerated when I take it, it's like a disc, like a bullet pissing on your spine will crack when... Okay, so gym aa gaya hai aur abhi hum lenge apna pre, naya naya dabba khulega aaj, so so one scoop secret of good pumps, one scoop pre, creatine, और अब secret ingredient which is citrulline mallet, ये वो चीज़ है जो bumps देगा। So, दो फुल स्कूप सिट्रलिन मैलेट किया, और अब एक बहुत ही बढ़िया वर्कआउट के बीच में हम ना सिप ऑन दिस, इसके अंदर सिट्रलिन भी है, सो एक ऐसा कॉन्स्टेंट अच्छे से पम्प्स आते रहेंगे, सो अगर आज बहुत अच्छे पम्प्स आए ऑल द क्रेडिट वुड गो टू दिस एंड दिस, सो अभी चलते हैं और एक मस्त लेग वर्कआउट हिट करते हैं, और आज मेरे को एक नया वेरिएशन हिट करना है विच इज़ हैक स्क्वाट और लेग प्रेस का कॉम्बो, स्टार्टिंग ऑफ विथ हैक स्क्वाट्स फिर लेग प्रेस और उसके बाद 2-3 आइसोलेटरी वर्क, एंड दैट इज ऑल वी गॉट टू डू, एंजॉय द वीडियो। ओके सो
द रीज़न हमने एक दो सेट्स एक्सटेंशन के किए था वो जस्ट टू गेट सम ब्लड फ्लो इन द क्वाड्स और आपके जॉइंट्स और लिगामेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए एक हैवी लिफ्ट से पहले. सो अपने मेन वर्किंग सेट से पहले एक से तीन वार्म अप सेट्स को परफॉर्म करो सो दैट योर बॉडी इज रेडी टू टेक दैट मच अमाउंट ऑफ वेट और इंजरी के चांसेस कम हो. एनी वेज आई गेट टू वर्किंग आउट नाउ. एंजॉय द एडिट. So you wanna go to war with me? You're talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I'll fall just like a guillotine, but I am here to stay. Won't look away. Storm is coming. So you better start running. No, you can't control. Feel it in my bones. I'm coming for the, coming for the. उससे पहले तीन वार्म अप्स किए ऑन एम्प्टी बार 60 केजीज एंड 80 केजीज 100 केजीज वॉकिंग सेट्स फोर उस पर मिले 8, 7 और 6 रेप्स प्रीटी गुड प्रोग्रेसिव ओवरलोड. जो कोविड के बाद सारी स्ट्रेंथ चली गई थी एवरीथिंग इज बैक नाउ सो फील्स गुड. ओके सो एंडेड अप नॉट डूइंग द हैक स्क्वाट्स बिकॉज इट वॉजेंट रियली फीलिंग इन द क्वाड्स. ज़्यादा हैमस्ट्रिंग पे आता. एंडेड अप डूइंग स्क्वाट्स सम लिटिल डेडलिफ्ट. नाउ द बॉडी बिल्डिंग पार्ट स्टार्ट्स व्हिच इज फ्रॉम द लेग प्रेस. We want to do some isolation work and yeah, मैंने बीच में अपनी tights पहन ली, compression pants पहन ली shorts की जगह because when I squat, like the normal squat and deadlifts, I prefer to wear them. So बस अभी we'll go change again back into the shorts और अब करेंगे थोड़ा bodybuilding work. Kingdoms rise and fall, I've come to take it all. I'll take it, I've come to take it. Kingdoms rise and fall, I've come to take it all. I'll take it all. Storm is coming, so you better start running. No, you can't control, feel it in my bones. I'm coming for the, coming for the. सो वर्कआउट कम्प्लीट. सैडली आज के दिन में बहुत सारी कैलरीज नहीं खाई है, सिर्फ दो मील्स खाए हैं विच राइट नाउ टेक्निकली पुट्स अस इन अ डेफिसिट. प्लस मेरे को थोड़ा सा वॉक करना बाकी है. सो मेरा और अनुराग हम दोनों का वर्कआउट अभी ख़त्म हुआ है. ओ बाय द वे अनुराग ने मुझे बोला कि उसका एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन अभी तक नहीं हुआ है वीडियो में. सो गाइस ही इज़ अनुराग. ये बंदा मेरा कॉलेज में जूनियर है एंड प्रॉब्ली द बेस्ट जूनियर आई कुड हैव आस्क्ड फॉर बिकॉज मोर देन अ जूनियर ही इज़ अ गुड फ्रेंड. मैं अनुराग साथ में टीटी खेलते हैं, हम वो क्लब की वजह से मिल रहे थे और ये सब काम वाम किया सर. बट अभी अनुराग और मैं साथ में सेम जिम पे आते हैं एंड हम साथ में उसके ऑलमोस्ट रोज़ रात को हम उसके घर के यहाँ पे टीटी खेलते हैं और वो मेरे को मेरे सारे वीडियोस शूट करने में हेल्प करता है. सो जो भी आप अच्छे एंगल्स देखते हो वो मोर ओवर अनुराग के दिमाग से आता है बिकॉज उसको अच्छे से, उसको पता है मेरे को कौन सा एंगल पसंद है ऑल दैट एंड ही शूट्स रियली वेल. सो यप दैट अनुराग नाउ यू हैप्पी विद द इंट्रो. फाइनली सम सैटिस्फैक्शन आई गॉट. सो अभी हम दोनों को बहुत भूख लगी है और सैडली हम दोनों के घर पे चिकन ख़त्म हो गया एंड वी डिडंट रियलाइज आज ये आरटीओ के काम के चक्कर में सब कुछ रह गया था. और अभी रात के ऑलमोस्ट 10:30 होने आए हैं एंड कल से कॉलेज भी है. कल सुबह 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 मेरे को नहीं जाना कॉलेज, कल सुबह सुबह कॉलेज है एंड दैट इज़ नॉट समथिंग विच आई वॉन्ट. बट एनी वेज अभी मैं और अनुराग जाएंगे सब्वे और
या अभी मैं और अनुराग जाएंगे सबवे, और सबवे जाके एक मस्त मील लेंगे और उसके बाद अपने अपने घर जाके सो जाएंगे, बिकॉज कल सुबह लेक्चर है और अनुराग के बहुत सारे असाइनमेंट्स बाकी है जो उसे करना है। सो यस, एनीवेज अगर आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ड्रॉप करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं यहाँ पे, और मैं और अनुराग आपसे बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन हैव एन अमेजिंग डे एंड कीप रनिंग यू गाइस, सी यू, गुड बाय।